अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मैंने प्रॉमिस किया था कि 30K पे Q&A स्पेशल वीडियो आएगी, तो गाइस वीडियो तो आ गई। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। गाइस, आज मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैंने इंस्टा स्टोरी लगाई थी कि कुछ भी पूछो, मैं सबके सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ से हैं? गाइस, मैं सिंध हैदराबाद से हूँ। आप भी आज तक पीजे हयात का फुल फॉर्म पता नहीं चला यार, बता दें यार। पीजे हयात पारस, जे पारस मेरा नाम है, जे मेरी कास्ट है और हयात मेरे अबू का नाम है। लेकिन मुझे इतना पसंद होता था ना, मैं बचपन से हयात हयात हर जगह पे हयात यूज़ करती थी। और फिर क्या है, व्हाट इज़ योर एज? मैं नहीं बताऊंगा यार, मेरी एज 22 है, ठीक है? कोई 14-16 एज नहीं, एज 22 है, ठीक है? बी एफ है या नहीं? यार बी एफ नहीं, मेरा बी एफ कोई भी नहीं। स्टडी स्टडी यार मैंने इंटर के लिए आई नीड की थी। उसके बाद इंटर के बाद मैंने चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। गाइस, बहुत जगह पे अप्लाई किया था, बस कुछ सीन क्रिएट हो गए, तो बस यूट्यूब समझ रहे ना, दुख हो रहा है यार। पीजे है तो आपको कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैं कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मेरा, कोई भी लिटरली कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मेरा। आपके पास एक ही मास्क है, वैसे एक ही मतलब ज्यादातर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? गाइस, मैं ये मास्क बहुत ज़्यादा पहनती थी क्योंकि मैंने इससे स्ट्रिमिंग स्टार्ट की थी और मतलब ये मेरा फेवरेट भी है। सो दूसरे भी मास्क मेरे पास बहुत ज़्यादा। मैंने बार बार झूठ बोलो, मैं लाइक कितने मंगवाए हुए थे, कोई 10 मास्क होंगे मेरे पास। 10 यू सी, दे दो ग्लेशियर निकाल लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? टेंकी यूसी, ये दे दो टेंकी यूसी, दे दो टेंकी यूसी। आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में, यूसी भेज दे। फ्रॉम विच सीजन यू आर प्लेइंग पबजी? तो यार मैं सीजन 6 की एंड, मतलब सीजन 6 की जो लास्ट वीक था ना, उसकी एंड पे मैंने स्टार्ट की थी। YouTube कब और कैसे स्टार्ट किया? यार YouTube का ये सीन था कि मुझे बचपन से शौक था स्ट्रीमिंग का, कि मैं वेस्ट किम के साथ स्ट्रीमिंग करूं, ठीक है? तो मैं TikTok पे एक दफ़ा आई, वायरल गई बहुत ज़्यादा वीडियोस, देन मैंने छोड़ दी, हर चीज़ छोड़ दी। तो उसके बाद मैं अभी दोबारा आई हूँ। मैंने Instagram और TikTok पे हमेशा फोकस किया, YouTube का कोई सीन नहीं था। मुझे शौक था, लेकिन मुझे ये था कि इधर से ग्रो करना मुश्किल है ना, तो ट्राई करना भी फिजूल है। तो बाद में मेरी सिस्टर एन जे है, वो ज़िद लगा कर उठी, नहीं यार तुम्हें यूट्यूब करना है, तुम हर चीज़ छोड़ दो, बस यूट्यूब पे आ जाओ। तो बस देख लें, ये सीन है। पांडा का चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई यार, बिल्कुल पांडा का चैलेंज में नहीं कंप्लीट करने वाली कोई बात ही नहीं थी ना। उन्होंने कहा था जितने आप किल करोगे, अब देखो मैंने 10 किल किए थे, आई थिंक 9-10 किल किए थे, उन्होंने उतनी मुझे सुपर चैट दी थी यूसी के। आपको कैसा लगा जब पांडा ने चैलेंज दिया? यार यकीन करें, मेरे तो ख्याल में भी नहीं था ना कि कभी ऐसा होगा, तो मैं तो खैर इमेजिन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं पांडा की स्टार्ट से वीडियोज़ देखती हूँ और मैंने नहीं सोचा था जिस बंदे की मैं वीडियोज़ देखती हूँ, जो बंदा मेरा इतना फेवरेट है, और वो बंदा लाइक मेरी स्ट्रीमिंग पे एक दिन आके और मुझे चैलेंज देगा, मैंने नहीं सोचा था। स्टार्टिंग जर्नी, आई मीन हाउ डिड यू गेट द मोटिवेशन फॉर प्लेइंग पबजी? बात यह है गाइज, कि सीन कुछ ऐसा है,
जब मैं मतलब मेरी इंटर क्लियर मैंने की तो मैंने हर जगह पे टेस्ट वगैरह दी। मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना था, नहीं हो पाई, बहुत ही मतलब डिसहार्ट हुई। तो उसके बाद ना मुझे किसी फ्रेंड ने कहा कि यार बस ऐसा करो पबजी खेलो, तुमसे कुछ होगा नहीं। मैंने कहा पबजी कौन सी गेम है यार, मुझे बताओ तो सही। लाइक इधर से आ गई और देखो आज इधर पहुंच के, पबजी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कसम पबजी ने लाइफ चेंज कर दी गाइस। लोग कहते हैं कि गेम आपकी लाइफ कैसे चेंज करती है, मेरी लाइक मेंटली ना मैं फुल लाइक उस टाइम डिप्रेस हो गई थी। कोई लाइक कुछ था ही नहीं करने को जिंदगी में लाइक, तो पबजी ने यार बहुत सहारा दिया। जो बात है, आईपैड पे क्यों नहीं खेलती यार? आईपैड पे इसलिए नहीं खेलती क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास आईपैड नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, नोकिया। नोकिया कौन सा होता है? जो भी, बस मेरे पास नोकिया है। मजाक के लिए हूँ, इंशाल्लाह आईपैड पे भी खेल के देखेंगे। कुछ सीन करते हैं यार आईपैड का। शादी कब करेंगी? शादी, शादी का कोई सीन नहीं गाइस, शादी का कोई भी सीन नहीं, कुछ भी नहीं। आपके नाम के फेक अकाउंट बन रहे हैं, मैंने आपको मैसेज भी किया लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। गाइज मैंने 1000 बंदों को रिप्लाई किया है, 1000 बंदों को कहा कि अकाउंट फेक है। मैंने इसको रिपोर्ट दे दी कि मैं पागल हो गई, लेकिन इस बंदे का अकाउंट ख़त्म हो ही नहीं रहा ना। और मैंने 1000 दफ़ा कोई स्टोरी लगाई है कि गाइज 200 उसके फॉलोअर्स हैं, वो बंदा फेक है, आप उसके पास कैसे जा रहे हो? आप मेरा अकाउंट देखो, सर्च करो कि पीजे है कौन सी। तो गाइज कुछ भी नहीं कह सकते, मैंने उसको 1000 दफ़ा रिपोर्ट दी है, इवन स्टोरीज लगाई हैं। चलो अगेन लगा दूंगी, 1000 दफ़ा लगा दूंगी, लेकिन आप समझो अकाउंट ये फेक है। आपने अपना डिवाइस कितने का लिया और पबजी के लिए बेस्ट डिवाइस कौन सा है? यार मैं ये नहीं बता सकती पबजी के लिए बेस्ट डिवाइस कौन सा है, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं। मेरा जो है 12 प्रो मैक्स है, आपको इसकी प्राइस नेट पे मिल जाएगी। तो शादी का क्या सीन है? अगेन शादी का क्या सीन है, शादी का क्या सीन है यार, शादी का कोई सीन नहीं। कुछ भी नहीं। फेस रिवील। नहीं गाइस फेस रिवील, फेस रिवील, फेस रिवील, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता गाइस। फेस रिवील वाला कोई सीन नहीं। योर फेवरेट पाकिस्तानी पबजी गेमर नेम? पाकिस्तानी तो कोई भी फेवरेट नहीं, सॉरी। आपका बीएफ है अगर तो उसका नाम क्या है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा कोई भी बीएफ नहीं गाइस, लिटरली मतलब मुझे कुछ तो यकीन नहीं होता, मैं इतनी सीधी हूँ। लेकिन कोई भी बीएफ नहीं। आर यू मैरिड? आई एम नॉट मैरिड गाइज, आई एम नॉट मैरिड, आई एम शदीद सिंगल। यूट्यूबर बनने का ख्याल कैसे आया और पबजी का? यार यूट्यूब का ख्याल मैंने आपको बताया ना कि बचपन से स्ट्रीमिंग का शौक होता था यूट्यूब पे, लेकिन हमेशा यही लगा कि नहीं यार मैं इधर से ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है। कभी ब्रेकअप हुआ है? आप नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? गाइस मेरा कोई भी ब्रेकअप, बार बार झूठ बोलो। क्या लिखा है? मार्क्स इन मैट्रिक। यार याद नहीं, मेरी परसेंटेज आई थी कोई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 80 से अबव थी, समथिंग 80 से अबव थी। आप डॉक्टर पिकाचू से भी प्यारी हो, आप जय भाई अब पे ट्राई करेंगे? यार डॉक्टर पिकाचू बहुत प्यारी है यार,
किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती, वो बहुत प्यारी लगती है। और मिस्टर जय प्लेस का क्या कह सकते हैं, वट वॉज योर रिएक्शन वैन पांडा अप्रोच टू योर चैनल एंड ऑफर यू सीजन? उन्होंने यार वो चैलेंज दिया मुझे, मेरे स्ट्रीमिंग पे आई, यकीन करें मुझे यकीन नहीं आती पांडा, मुझे लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है, रियल पांडा नहीं कोई फेक है। जब तक उन्होंने लाइक चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया, जब उन्होंने वो सुपर चैट दी ना, रेड सुपर चैट, कसम से मैंने कहा यार ये तो सच वाले हैं। फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सीधी बात है। आप ही व्हाट्स योर एज एंड आगे की क्या प्लानिंग है, शादी घर वालों की मर्जी से करेंगी या अपनी मर्जी से? यार मेरा सिर्फ अभी ये है कि मैं यूट्यूब से आगे बढ़ूँ, पैसा ही पैसा हो गया। मेरा ड्रीम है कि यार पबजी पार्टनर टाइटल मिले और मैं मतलब आगे बढ़ूँ, कुछ बन जाऊँ। जिंदगी एक ही है यार, फारिग बैठने से कुछ नहीं होता, आप कुछ कर लो बेटर है, अपने लिए कर लो, ये आपको फ़ायदा होगा कल को। और शादी का मतलब अपने घर वालों की मर्जी से मैं कभी भी नहीं कर सकती, मतलब मैं वो लड़की हूँ ना, ये चीज मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, लाइक पार्टनर ना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप किससे शादी कर रहे हो। तो मेरा जो पार्टनर हो, मतलब कुछ भी, बस ऐसी बात है जो मुझे पसंद होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन भी नहीं, और आगे भी लगता है मुझे कोई सीन नहीं बनना, तो शेख रशीद की तरह सिंकी नहीं बनना है। अस्तगफिरुल्लाह, यूट्यूब पे इतना जल्दी फेमस होने का राज, यार देखें मैं 2 साल से थी टिकटॉक पे, इंस्टा पे, 3 दफ़ा मेरा इंस्टा डिसेबल हुआ, कोई टिकटॉक 2 दफ़ा गया, तीसरा भी मैंने बनाया था। तो गाइस यूट्यूब तो मैं बाद में आई, मेरा स्ट्रगल बहुत पहले का था। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? स्ट्रगल बहुत पहले का था। नहीं लोग कहाँ से आते हैं? तो गाइस जब मैं यूट्यूब पे होती थी तो यकीन करिए मेरी 1-2 की वॉचिंग होती थी और मैं 4 घंटे बैठी हुई होती थी, सुबह के 4 या 5 बज जाते थे। तो गाइस जब अल्लाह पाक किसी को लाइक कामयाब करता है, किसी को इज्जत देता है ना, तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें पता ही नहीं चलता कि एक रात में ना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चलता, बस अल्लाह पाक का करम होता है। हैदराबाद में किस एरिया में रहती हूँ? यार हैदराबाद में मैं अपने घर घर में रहती हूँ यार, क्या हो गया है? डू यू बिलीव इन सोलमेट्स? सोलमेट्स नहीं, यकीन है, ठीक है मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं। इतनी मोटी क्यों हैं आप? बट लुक्स क्यूट यार, मैं बचपन से इतनी मोटी थी ना यार, बहुत ज्यादा मोटी थी, और लोग इतना बुली करते थे कॉलेज में कि यार मोटी है, भैंस ये वो, इतनी क्या क्या नाम देते थे। एंड देन मैंने काफी अपना वेट कम किया, कोई लाइक 25-26 kg कम किया है यार। तो अभी मैं मोटी नहीं, अभी मैं सही हूँ, फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मोटी नहीं हूँ, मतलब फेस भी लगता है लेकिन इतनी मोटी नहीं हूँ। योर फेवरेट डायनामो और मॉडल? वैसे लव फ्रॉम इंडिया, अरे लव फ्रॉम पाकिस्तान गाइस, जो भी इंडियन फैंस है यार, मॉडल। मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने डायनामो को इतना नहीं देखा जितना मैंने मॉडल को देखा है। सो इस इमोजी का मतलब बता दें गाइस, ये इमोजी है। अब ये जो इमोजी है ना गाइस, ये स्माइली, ये मैं तब करती हूँ जब मैं किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। सलाम, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करती हो और सेटअप वीडियो का बारे में? वालेकुम अस्सलाम, यार मैं जेज का नेटवर्क यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं जिधर रहती हूँ इधर स्ट्रॉन्ग फाइबर कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है, PTCL तो चल ही नहीं पाता, तो स्ट्रीमिंग मैं जेज पे करती हूँ, और सेटअप की वीडियो इंशाल्लाह 50K पे आएगी। मैम यू आर फ्रॉम, यार वही क्वेश्चन है, मैं सिंध से हूँ, इतनी प्यारी क्यों है? यार आपको लगती है आपकी नज़रें प्यारी और कुछ भी नहीं। स्टोरी व्यूज़, यार मेरे स्टोरी व्यूज़ आते हैं 24 आवर्स में कोई 6000 समथिंग ऐसे आते हैं।
बस क्या इतने ही सवाल थे जो जिनका मैंने जवाब दे दिया। यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में मुझे आप लोग बताओ कि आपका कौन सा पबजी फेवरेट प्लेयर है और आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो। ये दो सवाल है, इनका जवाब दे दें। चलें, कई अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।